इस वक्त की बड़ी खबर पटना से आ रही है। शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी ने इस्तीफा दे दिया है। मेवालाल चौधरी ने आज ही पदभार संभाला था, जिसके बाद आज अचानक मेवालाल ने इस्तीफा दे दिया है। शपथ लेने के बाद मेवालाल ने कहा कि कोई भी केस तब साबित होता है जब आपके खिलाफ कोई चार्जशीट हुई हो या कोर्ट ने कुछ फैसला किया हो। ना हमारे खिलाफ अभी कोई चार्जशीट हुई है, ना ही हमारे ऊपर कोई आरोप दर्ज हुआ है। गौरतलब है कि नीतीश कुमार ने बिहार के बड़े नौकरी घोटाले के आरोपी को अपना शिक्षा मंत्री बनाया है। बिहार के नए शिक्षा मंत्री बने मेवालाल चौधरी पर कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति रहते हुए नौकरी में भारी घोटाला करने का आरोप है। उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज है। देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बिहार का राज्यपाल रहते मेवालाल चौधरी के खिलाफ जांच कराई थी और उन पर लगे आरोपों को सच पाया था। ये जांच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर हुई थी। मेवालाल चौधरी पर सबौर कृषि विश्वविद्यालय के भवन निर्माण में भी घोटाले का आरोप है। सबसे बड़ी बात यह है कि मेवालाल चौधरी के इस बड़े घोटाले के खिलाफ सत्तारूढ़ जेडीयू के नेताओं ने भी आवाज उठाई थी। विधान परिषद में जेडीयू विधान पार्षदों ने मेवालाल चौधरी के खिलाफ हंगामा खड़ा कर दिया था। वहीं बाद में बीजेपी के नेता सुशील कुमार मोदी ने इसे जोर शोर से उठाया था। सुशील कुमार मोदी सबूतों का पुलिंदा लेकर तत्कालीन राज्यपाल रामनाथ कोविंद से मिले थे। इसके बाद जांच हुई और जांच में पाया गया कि मेवालाल चौधरी ने कृषि विश्वविद्यालय का कुलपति रहते बड़ा घोटाला किया है। ये घोटाला 161 सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति में हुआ है। मेवालाल चौधरी पर लगे आरोपों को लेकर विपक्षी पार्टियां लगातार सरकार पर हमला बोल रही हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने चुप्पी साध रखी है। अब बताइए, अगर उनकी पत्नी के बारे में हम अगर ब्लेम करें तो ये आपके इमोशनल, ये सब तो आप एक ऐसा, वो जो आदमी ने लगाया है, हमें लगता है कि वो इस युग का आदमी नहीं है, ना संस्कारी है, ना संस्कृति ना सभ्यता जानते हैं। हम आपको बता दें, उनके ऊपर हम लीगल नोटिस दे रहे हैं और 50,000 का मानहानि दावा हम कोर्ट के थ्रू दावा, 50 करोड़ का दावा हम उनको ठोक रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने कल बुलाया था, क्या बात हुई यार? अरे मुख्यमंत्री कट सी कॉल था भाई, और कुछ नहीं था सर। एक सवाल है, पिछले 7 महीने से स्कूल बंद है, प्राइमरी स्कूल जो है उनको खोलने के लिए क्या है, क्या प्लानिंग है आप जरा हमको ऑफिस से मीटिंग करने लीजिए। देखिए सुन लीजिए, अब हो गया, अब आइए सब्जेक्ट शिक्षा के ऊपर आइए। क्वेश्चन है, अभी हम जब तक कोई फाइल देख करके कुछ बात नहीं करेंगे तो कंक्रीट आंसर देने में असमर्थ है। और मेरा एक मैसेज सबको जरूर कम्युनिकेट कीजिएगा। हम एक बड़े पॉजिटिव माइंड के आदमी हैं, सुन लीजिए भाई, हम एक बड़े पॉजिटिव माइंड के आदमी हैं, हम एक बड़े पॉजिटिव माइंड के हैं, बड़े सकारात्मक सोच के हैं। हम आपको विश्वास दिलाते हैं, सरकार के तरफ से जितना भी एजुकेशन में रिफॉर्म्स की ज़रूरत होगी, हमारे मुखिया आदरणीय नीतीश बाबू सब चीज़ के लिए तैयार हैं। और हम आपको मंत्री के नाते विश्वास दिलाते हैं, ऐसा कोई भी पत्थर नहीं है जिसको हम लोग टर्न नहीं कर सकें और पॉसिबल को पॉसिबल बनाए। थैंक यू। इलेक्ट्रॉनिक्स के मार्केट में धूम मचाने आ गया है आपके शहर सिवान में आरबी लाइट हाउस, जहां पर आपको मिलेगी हर प्रकार की नंबर 1 ब्रांडेड आइटम, जिसमें झूमर, वॉल लैंप, बेड लैंप, गेट लैंप, झालर बत्ती, मॉड्यूलर स्विच, सरफेस लाइट के साथ साथ अन्य सभी प्रकार की फैंसी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स सस्ते और उचित दामों पर उपलब्ध हैं। तो फिर देर किस बात की, आज ही आइए आरबी लाइट हाउस बड़ी मस्जिद के पीछे, कागजी मोहल्ला रोड सिवान। हमारा संपर्क नंबर है 7091318455।